हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल ज्ञान पर। मैं लेके आया हूँ रियलमी नाजो 20A की अनबॉक्सिंग। जानेंगे इसके बेहतरीन फीचर्स के बारे में, कैमरा क्वालिटी के बारे में, रैम, डिस्प्ले के बारे में, फुल डिटेल में हम सब इसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं रियलमी नाजो 20A के बारे में। रश ऑफ द परफॉर्मेंस, नहीं रियलमी ने यहाँ पर नया हैशटैग यूज़ किया है रश ऑफ द परफॉर्मेंस के बारे में। आपने रियलमी 20 और रियलमी 20 प्रो के हमारे अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में जाके हम इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। लुकास बहुत शानदार फ़ोन दे रखा है ये फ़ोन। पहले बात करें डिस्प्ले की, बात करें इसके अंदर 6.5 इंच का सुपर HD+ AMOLED डिस्प्ले दे रखा है इसके अंदर, IPS डिस्प्ले दे रखा है इसके अंदर। डिज़ाइन की बात करें विक्ट्री डिज़ाइन दे रखा है इसके अंदर। ये फ़ोन दो कलर में अवेलेबल है, ब्लू एंड सिल्वर कलर में अवेलेबल है मार्केट में। कैमरा सेटअप है, क्वालिटी की बात करें ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रखा है इसके अंदर। जो फर्स्ट कैमरा है 12 MP AI ट्राइपल कैमरा दे रखा है, प्राइमरी कैमरा दे रखा है इसके अंदर प्राइमरी लेंस। जो सेकेंड कैमरा है 2 MP माइक्रो कैमरा दे रखा है। जो थर्ड कैमरा 2 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा दे रखा है। ये तो होगी कैमरा क्वालिटी के बारे में। और फ्रंट कैमरा की बात करें इसके अंदर वो 8 MP फ्रंट रियर कैमरा दे रखा है इसके अंदर। और 60Hz का रिफ्रेश रेट इसके अंदर दे रखा है रियलमी नाजो 20A के अंदर। बैटरी की बात करें इसके अंदर 5000 mAh की मैसिव बैटरी दे रखी है इसके अंदर। 40 डे स्टैंड बाय 10W का ऑटो चार्जर दिया गया, रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया इसके अंदर। स्नैपड्रैगन की बात करें इसके अंदर 665 दे रखा है इसके अंदर स्नैपड्रैगन। ये दो वेरियंट इसमें लॉन्च हुआ, 3GB 32GB स्टोरेज के साथ, वही 4GB 64GB स्टोरेज के साथ। प्राइस की बात करें यहाँ पे 3GB 32GB स्टोरेज की प्राइस की बात करें 8499, वही 4GB 64GB की प्राइस की बात करें 9499 की प्राइस रखी गई है। आप मुझे बताइए रियलमी नाजो की आप 20A के बारे में कौन कौन से फीचर्स अच्छे लगे, कौन कौन से उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। साथ में ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड क्यू प्लस रियलमी UI पे काम करता है ये एंड्रॉयड सिस्टम, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर स्नैपड्रैगन की बात करें या स्नैपड्रैगन होना चाहिए था 720 या ये मीडियाटेक हेलियो G80 होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। आप मुझे बताइए इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए था इस बजट के अंदर। आपके इसके फ़ोन कौन से फीचर्स अच्छे लगे, कौन से फीचर अच्छे नहीं लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट इस तरह वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।